नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी? एक बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत अच्छी वैकेंसी बिहार की तरफ से, बिहार कर्मचारी आयोग की तरफ से यहां पे आपके लिए आई है। 11,098 पदों पे BSSC जो इंटर लेवल की वैकेंसी होती है, ये दूसरी क्रम की वैकेंसी है। इससे पहले क्रम में जो 2014 में आई थी और उसके बाद अब आई हुई है, पिछली बार भी लगभग 11,000 वैकेंसी थी, इस बार भी लगभग 11,000 वैकेंसी है। और अगर देखा जाए तो टाइपिंग वाले बच्चों के लिए भी और जो नहीं टाइपिंग जानते उनके लिए भी बराबर से बहुत अच्छे चांस हैं। कौन से पद अच्छे हैं, क्या किसमें ज्यादा अवसर है, इसका पैटर्न क्या है, कितनी कट ऑफ जाती है, कैसे इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्या रिसोर्सेस होने चाहिए, किताबें कौन सी करनी है, कोचिंग कौन सी ज्वाइन करनी है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे नए हो और BSSC इंटर लेवल में अगर अपना एक पद सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। परीक्षा प्लस को आप सब्सक्राइब और से कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक अवश्य करिएगा। इस पूरे वीडियो सेशन में लोग बात करने वाले हैं कि कौन भर सकता है फॉर्म, कैसे करें तैयारी, इसमें जो पैटर्न है GS है, साइंस मैथ्स और रीजनिंग है, इस पर किस प्रकार से प्रश्न होता है, प्रीलिम्स और मेंस अकॉर्डिंग इसका पेपर होता है, जनरली कट ऑफ कितनी जाती है, इस बार क्या सेफ स्कोर हो सकता है, सबके बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी यहाँ पे इकट्ठा करने वाले हैं, सब पे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की बात करें तो यहाँ पे इसने 11,098 पदों पे वैकेंसी निकाली है। जो फॉर्म चालू होगा फिलिंग का वो 27 सितंबर से चालू होगा और 11/11/2023 मतलब कि लगभग 1.5 महीने आपके फॉर्म की डेट ओपन रहेगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि मिनिमम 3 महीने, हालांकि अगर बिहार की बात किया जाए, बिहार बोर्ड की बात किया जाए तो ये कहीं ना कहीं आयोग की बात किया जाए तो ये वैकेंसीज बहुत जल्दी क्लियर कराने में या बहुत जल्दी पेपर कराने में विश्वास रख रही है। लेकिन फिर भी अगर 1.5 महीना फॉर्म चलेगा तो लगभग 1.5 महीना अतिरिक्त समय भी आपको मिलेगा, 3 महीना मिनिमम आपको समय मिलने वाला है। एक छोटा सा सिलेबस है, बहुत बढ़िया सिलेबस है और ऐसे बच्चे जो 12th जस्ट पास आउट होकर निकले हैं या तैयारी भी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। बिहार राज्य के हों या फिर बिहार के अगल बगल राज्य के हों, जो बिहार से सटे राज्य हैं उन सभी के लिए बराबर अवसर है। ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं कि इसमें पद कौन कौन से हैं। तो कुछ ऐसे पद हैं जो टाइपिंग वाले हैं, जैसे जो क्लरिकल पद हैं, निम्न वर्गीय लिपिक, इसमें किसी ज़्यादातर आप में टाइपिंग वगैरह या कंप्यूटर की नॉलेज मांगा है। सर्वाधिक पद इसी वर्ग के हैं, 3931 पद। उसके बाद दो अलग अलग विभाग जैसे पंचायत सचिव के और राजस्व कर्मचारी के क्रमशः 3559 पद और 3532 पद यहाँ पे दिए गए हैं। बहुत बढ़िया पद है, टोटल देखा जाए तो इन्हीं तीन को मिला लिया जाए तो लगभग 11,000 का कोटा यही तीन पूरा कर देते हैं। बाकी फाइलेरिया निरीक्षक के 69 पद हैं और सहायक अनुदेशक के 7 पद हैं, कुल मिला के 11,098 पद हैं। अब इस पद में क्या एज एलिजिबिलिटी, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा इन शॉर्ट में। हालांकि कौन भर सकता है फॉर्म उस पर एक अलग से वीडियो भी लेके आएंगे। सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो आयु वर्ग है वो बहुत लंबा रेंज दिया हुआ है, 18 साल न्यूनतम दिया हुआ है और मैक्सिमम 37 वर्ष अनारक्षित पुरुष वर्ग के लिए दिया गया है। वहीं पे महिला को 3 साल का रिलैक्सेशन और दिया गया है अनारक्षित में ही। पिछड़ा वर्ग जो है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उनको 40 वर्ग मैक्सिमम दिया है और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 42 वर्ष दिया गया। यही नहीं, इन्होंने क्या बोला है कि वर्ष 2015, क्योंकि 2014 में फॉर्म आया था उसके बाद से फॉर्म नहीं आया, तो जो बच्चे 1/8/2015 को ये सारी अर्हता रखते हैं या 2015 में अगर वो 12th पास आउट हो गए थे, जो जो इनकी एलिजिबिलिटी मांगी है, अगर एलिजिबिलिटी है, अगर टाइपिंग आती है, कंप्यूटर नॉलेज है और सबसे बड़ी बात है सारे पदों में अगर मैक्सिमम, जैसे मैंने बोला कि एक आपका राजस्व कर्मचारी और जो सचिव के पद हैं इनमें अगर दोनों देखा जाए तो इन दोनों में आपका टाइपिंग भी नहीं मांगा हुआ है, तो केवल आप जस्ट 12th पास हो तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। कब? 2015 में। मतलब एक बहुत बड़ा एज गैप है, जो आपका ये अधिकतम आयु है इसमें भी वो जुड़ जाएंगे 2015 वाले। तो एज रिलैक्सेशन लगभग 8 साल का दे दिया गया है, 7-8 साल का। यहाँ पे आप देख सकते हो 15 और यहाँ पे 23, यानी कि 8 साल का रिलैक्सेशन। तो ये बढ़ के कहाँ पे जाता है, एक बहुत बड़ा रेंज होता है आयु वर्ग का। एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है, जस्ट 12th पास है तो लगभग सारे लोग इसमें क्या है, फॉर्म में एलिजिबल हैं। बहुत सारे पद हैं लेकिन इसके लिए अलग अलग फॉर्म नहीं भरना है, सबके लिए केवल एक फॉर्म भरना है। और फॉर्म की फीस भी अगर देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 540 रुपये किसके लिए रखा गया है, सामान्य वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 135, बाकी सबके लिए तो जो नॉर्मल होते हैं वही रखा गया है। केवल सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 540 है और बिहार राज्य के बाहर सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उनके लिए 540 है। तो जो बिहार में, बिहार के रहने वाले हैं
उनके लिए कम से कम बाकी जो आरक्षण वाली सीटें हैं उनके लिए फीस का काफी अच्छा रिलैक्सेशन है, बाकी के लिए 540 है, तो ये कोई बहुत बड़ा नहीं होता है। दूसरी बात देखा जाए तो यहाँ पे जो इनके एग्जाम का स्टेज होता है, इनका कहना ये होता है कि अगर 40,000 ही फॉर्म पढ़ते हैं तो क्या होगा, केवल एक स्टेज पेपर होता है, लेकिन 40,000 से ज्यादा अगर फॉर्म पढ़ते हैं तो दो स्टेज में ये पेपर करवाते हैं, प्रीलिम्स और मेंस करवाते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जब ये 2014 में आया था तभी लगभग 18,00,000 फॉर्म पड़े थे, जो अपने आप में बहुत बड़ी संख्या होती है, और उसमें अब देखा जाए 2023 में हो रहा है तो ये फॉर्म की संख्या काफी ज्यादा जा सकती है। एक अनुमान अभी लगाना तो मुश्किल है, बट 20,00,000 से 25,00,000 से तो अब भी फॉर्म इसमें जा सकता है, क्योंकि केवल 12th लेवल, और सबसे बड़ी बात है केवल बिहार राज्य के नहीं, अन्य बिहार के जो उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, इन सब राज्य के, वेस्ट बंगाल हो गए, ये राज्य के भी बच्चे समान रूप से इसमें क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं। तो एक बहुत अच्छा खासा इसमें एक कॉम्पिटिशन भी देखने को मिल सकता है, लेकिन पदवी ज्यादा है तो उसको ध्यान में रखिएगा। इसका जो परीक्षा पैटर्न है वो मैं आपको बता दूं, तीन पार्ट में पूछा जाता है। एक इसमें क्या है, सामान्य ज्ञान, जो पहला वाला पेपर हुआ था 2014 में उसके तर्ज पे मैं आपको बताऊंगा, हालांकि बिहार क्या कर रहा है, किस प्रकार से क्वेश्चन सेट कर रहा है और पैटर्न उसका कैसा है उसको भी बताता हूं। इन्होंने तीन संभाग में किया है, अगर वर्ष 2014 की बात किया जाए तो 150 क्वेश्चन टोटल अभी भी है, 150 क्वेश्चन तब भी था। एक जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, मतलब कि टोटल ही कितने 600 नंबर का पेपर है, 600 मार्क्स का पेपर है और निगेटिव 1/4 है। अगर निगेटिव की बात किया जाए, माइनस मार्किंग 1/4 की रखी गई है, मतलब कि आप जब क्या करोगे, एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका क्या होगा, एक नंबर आपका माइनस हो जाएगा, और एक सही करोगे तो 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आपका 600 मार्क्स का होता है 150, यही प्रीलिम्स होता है, यही आपका क्या होता है, मेंस भी होता है। तो 150 क्वेश्चन है और समय जो इसमें दिया गया है आपको 2 घंटा 15 मिनट दिया गया है, मतलब टोटल 135 मिनट दिया गया है, 2.25 घंटे का पेपर होगा, तो अच्छा खासा आपको समय भी मिलता है। अब अगर वर्ष 2014 की बात किया जाए तो 150 क्वेश्चन को इन्होंने 50 50 50 के सेगमेंट में तोड़ा था। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, फिर मैं आपको बात करता हूं इसका सिलेबस क्या है। जो 2014 में पेपर आया था इन्होंने क्या किया था, 50 क्वेश्चन को जीएस के संभाग में किया था। ये जीएस हालांकि ना होके जनरल अवेयरनेस, या इसे जीके बोल सकते हो, क्योंकि जो क्वेश्चन थे वो जीके के ज्यादा थे, ये जीएस नहीं था। जीएस जो सामान्य बोल सकते हो, सामान्य अध्ययन होता है, या पारंपरिक जो जीएस होता है, इतिहास, भूगोल, या फिर आपकी अर्थव्यवस्था, राज व्यवस्था, या बिहार स्पेशल, इनकी बात किया जाए, ये हमारे सामान्य अध्ययन में आते हैं। बट जब हम स्टैटिक की पार्ट करते हैं तो फेमस पर्सन्स, बुक्स एंड ऑथर, स्टैटिक जो जीके होता है वो पूछा जाता है। और क्योंकि इन्होंने सिलेबस में भी इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज के बारे में बात किया है तो नेबरिंग कंट्रीज में सामान्य अध्ययन पढ़ना मुश्किल हो जाता है, बट जीके क्या होता है, आसान होता है, और कुछ पर्टिकुलर चीज पढ़ लेते हो तो वो भी आपका तैयार हो जाता है। तो जो 50 क्वेश्चन जीएस वाला संभाग इन्होंने पूछा था, पूरा का पूरा स्टैटिक पूछा था, और इस बार भी चांस है कि स्टैटिक ही ज्यादा पूछा जाएगा, तो आपको तैयारी लगभग उसी तर्ज पे करनी भी है। दूसरा संभाग ये कहते हैं 50 क्वेश्चन का ये भी रखे, लेकिन इसमें इन्होंने साइंस भी रखा, इसमें इन्होंने मैथ्स भी रखा, और इसमें इन्होंने क्या किया, भूगोल भी रखा, ज्योग्राफी को भी रखते हैं, लेकिन ये ज्योग्राफी जो होती है ये स्टैटिक होती है। ये ज्योग्राफी क्या होती है, स्टैटिक होती है। और पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा था, साइंस के लगभग 30 क्वेश्चन थे, मैथ्स के लगभग 10 क्वेश्चन थे, और भूगोल के भी 10 क्वेश्चन थे, मतलब टोटल कितने थे, 50 क्वेश्चन थे दूसरे संभाग से। और तीसरे संभाग की बात करें, जो क्या है तीसरा संभाग, आपका रीजनिंग है। हम बिहार की बात करें तो बिहार हमेशा, बिहार का जो पसंदीदा विषय रहा है, साइंस पसंदीदा विषय रहा है, रीजनिंग पसंदीदा विषय रहा है, और जीके उसका क्या रहा है, पसंदीदा विषय रहा है। तो इस बार भी आपका जो पैटर्न होगा वो लगभग इसी का रहेगा, 50-50-50 क्वेश्चन का रहेगा, 150 क्वेश्चन, जो एक उम्मीद लगाई जा सकती है। हालांकि ये कहीं भी नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र नहीं किए कि एक सेक्शन को 85 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने देखा है बहुत सारी संस्थाएं या बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि मैथ्स और साइंस 25-25 पूछा जाता है। आप कृपया भटकाव में मत आइएगा, कृपया आपको सही क्या है इसको थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। 25-25 नहीं पूछा जाता है, इसमें 30 क्वेश्चन साइंस, 10 क्वेश्चन मैथ्स, 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी पूछा जाता है। और इन्होंने इस बात की पुष्टि भी की है, इस बात को अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्या बोला है, एक तो सामान्य अध्ययन बोले हैं, तीनों में खंड का खा है, उसके बाद खंड का में इन्होंने समसामयिक विषय को अलग से जोड़ा है, और दूसरा भारत और उनके पड़ोसी देश को अलग से जोड़ा है। उसके बाद दूसरा है खंड खा, खंड खा में इन्होंने सामान्य विज्ञान एवं गणित तो जरूर लिखा है, लेकिन सामान्य विज्ञान और गणित में इन्होंने क्या किया है कि सामान्य विज्ञान वाले पार्ट को देखोगे तो भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल। और इसीलिए अगर पैटर्न देखोगे तो पिछली बार 10 क्वेश्चन भूगोल के, 10 क्वेश्चन इन्होंने 10-10 करके पार्ट किया था, और क्योंकि इसमें गणित भी था
तो 1, 2, 3, 4 और 5 पार्ट टोटल हो गए। पांचों पार्ट को 10 क्वेश्चन ईच, मतलब आप बोल सकते हो साइंस के 30 क्वेश्चन, उसके बाद 10 भूगोल के और 10 आपके किसके थे, गणित के थे। इस प्रकार से आपके 50 क्वेश्चन बने थे। और खंड जो गा है इनमें मानसिक क्षमता जांच ही पूरी की पूरी रीजनिंग है, कोर रीजनिंग है, और इसमें इन्होंने क्या किया था, 50 क्वेश्चन पूछा था। तो एक बार आप पैटर्न को अच्छे से समझिए, 50 क्वेश्चन इसमें साइंस के 30, मैथ्स के 10 और जियो के 10, इसमें भी साइंस में भी तीनों पार्ट के 10 10 10 आप ऐसे बोल सकते हो। तो ये इनका पूछने का तरीका होता है। और सबसे बड़ी बात है, अगर मैं इनके सिलेबस की बात करूं तो एक बार आप सिलेबस देख सकते हो, क्योंकि जब आप किसी चीज की तैयारी करते हो तो सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो आपका पाठ्यक्रम होता है। समान अध्ययन में इन्होंने बोला है कि इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी मतलब कि जनरल नॉलेज की ये बात करते हैं, तथा समाज में, तथा क्या बोल रहे हैं, समाज में इनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना, वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म तथा अवलोकन, तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने के लिए शिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा की जाती है। समसामयिक विषय में अगर देखा जाए तो इसमें करंट अफेयर्स होता है, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रगति पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं होंगे, टोटल करंट अफेयर्स है। और तीसरा जो है भारत और उनके पड़ोसी देश, और इसमें अगर आप देखोगे तो पड़ोसी देशों का इतिहास। अब अगर आप पारंपरिक इतिहास पड़ोसी देशों का देखोगे तो आपको पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप पड़ोसी देशों के इतिहास को नहीं पढ़ सकते। लेकिन हाँ, कोई बहुत बड़ा साम्राज्य रहा हो किसी का, या फिर कोई बहुत बड़ी घटना रही हो, कोई इवेंट बहुत बड़ा रहा हो, या कोई बहुत फेमस पर्सनालिटी रहा हो इतिहास में उसका नाम हो, या कोई ऐसी कोई पुस्तक का जिक्र किया गया है जो कहीं आस पड़ोस के देश है उनमें प्रसिद्ध है, तो ऐसे जैसे बोल सकते हो कि आप चाइना से जो चीनी उद्योग है या रेशम का उद्योग है, तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो पड़ोसी देशों का इतिहास, फिर भारत का इतिहास, फिर भारत की संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। तो एक चीज समझिएगा कि अभी तक जो 12th लेवल का होता है इसमें बहुत ज्यादा बिहार स्पेशल नहीं पूछता, क्योंकि जीएस को इन्होंने क्या रखा है, जीएस को 50 क्वेश्चन तो रखा है, बट उसमें करंट और तीन आयाम अलग से कर दिए हैं, इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं कि केवल बिहार स्पेशल ही भरा रहेगा। हालांकि बिहार के संबंध में राष्ट्रीय आंदोलन, बिहार में योगदान, बिहार का योगदान, ये अवश्य ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है। उसके बाद खंड का सामान्य विज्ञान और गणित की बात करें तो इन्होंने क्या कहा है, जो सामान्य विज्ञान है वो मैट्रिक लेवल का होगा, मतलब 10th लेवल का होगा। तो आपके जो कॉमन चैप्टर होते हैं, अब ऐसा भी मैं समझे जनरल साइंस है, जनरल साइंस में क्या होता है कि लाइफ साइंस ज्यादा इंक्लूड होती है, बाकी पोर्शन कम होते हैं। ये केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो को तीनों को बराबर दे रहे हैं, और जो आपकी 9th 10th की किताबें हैं, चाहे आपके बिहार बोर्ड की हो, चाहे आपके किसकी हो, एनसीईआरटी की हो, इन दोनों किताबों के तर्ज पे प्रश्न बने थे पिछली बार भी और इस बार भी बनेंगे। अभी हाल में बिहार टीचर की वैकेंसी हुई थी, उसमें भी आपने देखा था कि साइंस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे और सीधा स्टेट बोर्ड के और एनसीईआरटी के किताबों से रख दिए गए थे। तो निश्चित रूप से आपके जो यहां पे विज्ञान का पोर्शन है या आपके स्टेट बोर्ड या फिर आप बोल सकते हो एनसीईआरटी पे आधारित रहेगा। और जिन्होंने भूगोल का जिक्र किया है साइंस में, तो साइंटिफिक अप्रोच जो भूगोल का होता है वहां से प्रश्न पूछते हैं, हालांकि ये स्टैटिक जीके क्या होते हैं यहां से पूछते हैं। इसमें भी इन्होंने स्टैटिक जीके ही पूछा था, जैसे फेमस पर्सन पूछे थे, बुक्स एंड ऑथर्स पूछे थे, करेंसी पूछे थे, कैपिटल पूछे थे, उसके बाद फेमस पर्सनैलिटी पूछे थे, क्या बड़ा है क्या छोटा है, विश्व में प्रसिद्ध क्या है, विश्व में सबसे बड़ा क्या है, भारत में सबसे बड़ा क्या है, भारत में प्रथम क्या है, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, या फिर प्रथम आरबीआई के गवर्नर कौन थे, इन सारी चीजों को क्वेश्चन पूछा था। और कुछ क्वेश्चन एब्रिविएशन फुल फॉर्म पे भी पूछा गया था, जो टेक्नोलॉजी का पार्ट था। तो इस हिसाब से आप समझते हुए चलेगा कि आपका जो जीएस है वो स्टैटिक जीके का पार्ट है। इन्होंने एक बात की है, कही है, ऐसे आप मानसिक क्षमता जांच में देखोगे तो ये पूरी कोर रीजनिंग है, इसे आप पढ़ोगे तो जो आपका कोडिंग डिकोडिंग होता है, आपका डायरेक्शन सेंस होता है, आपका एनालॉजी होता है, या फिर आपका नंबर सीरीज होता है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होता है, ब्लड रिलेशंस होते हैं, आपके ऑड वन आउट होते हैं, काउंटिंग फिगर्स होता है, ये सारे टॉपिक इसमें समाये हुए हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हो। ऐसे ही इन्होंने 1.7 नंबर में इंपॉर्टेंट चीज दिया है, क्या है कि क्वालिफाइंग मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने बोला है कि सामान्य वर्ग के लिए 40%। अब जो बिहार के अतिरिक्त राज्य हैं वो सारे लोग सामान्य वर्ग के लिए ही आएंगे, तो उन सबों के लिए भी 40% न्यूनतम लाना है। मतलब कि अगर 600 नंबर का देखा जाए तो 600 का 40% मतलब कि 240 नंबर मिनिमम लाना ही लाना है, जहां पे 1/4 निगेटिव भी है। पिछड़े वर्ग के लिए 36.5,
अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 34, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 32, महिला के सभी वर्ग के लिए ये कितना है 32% यहाँ पे दिया गया है, और दिव्यांग के लिए 32%। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि अगर हम पिछले साल का कट ऑफ देखें तो लगभग 96 मार्क्स कितने में 96 यहाँ पे क्या गया था, कट ऑफ गया था। एक बार आप देख सकते हो कि 96.9220 कट ऑफ परसेंटाइल, ये परसेंटाइल के हिसाब से गया था। इनका एक क्या होता है कि परसेंटाइल बनता है, तो 96% था, ये मार्क्स नहीं था, इस हिसाब से आप देख सकते हो। तो ये लगभग काफी ज्यादा होता है, जिसमें अगर पिछले बार का तो आप डेटा देख सकते हो, तो प्रारंभिक परीक्षा में कुल सफल 64,957 बच्चे थे, जिनमें से 63,000 पहले के थे, बाद में कोरिगंडम आया था कि 1,218 बच्चों को और इंक्लूड किया गया था। सब मिला के इनका जो परसेंटाइल कट ऑफ था वो 96.92 गया था। तो इस हिसाब से परसेंटाइल जाता है, और 96.92 जो होगा वो आपका 65-70% पे बनता है। मतलब आप बोल सकते हो कि लगभग आपके 600 में से 420-430 नंबर पे आपका क्या बनता है, कट ऑफ बनता है। पिछली बार भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों हुआ था, क्योंकि ज्यादा हो गए थे। बाकी अन्य जितने भी आपकी कैटेगरी हैं, आप अपना परसेंटाइल का कट ऑफ देख लेते हो सकते हो। लेकिन परसेंटाइल क्या होता है, हर बार बदलता रहता है, वो पेपर के पैटर्न पे होता है। प्रीवियस ईयर पेपर का अगर देखें तो जीएस 50 था, साइंस 30 था, ज्योग्राफी 10 था, मैथ्स आपका क्या था, 10 था। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए था वो मैं आपके लिए यहाँ पे लिखा है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि जब आपके लिए इतना बेहतरीन है, 11,098 या बोल सकते हो 11,100 पद है ना, इतने ज्यादा पद हैं, उसके बाद आपका केवल 12th लेवल मांगा है, फिर आप हर आयु क्रम के जितने भी एज गैप के सारे लोग लगभग इसमें एलिजिबल हैं, तो फॉर्म की संख्या निश्चित रूप से बहुत ज्यादा जाने वाली है। तो हमारा तैयारी किस प्रकार से होनी चाहिए कि हम इसमें सफल हो जाएं। तो एक बात समझिएगा कि अगर इसमें सफलता अर्जित करनी है तो आपको एज पर सिलेबस करना है और बिहार के ट्रेंड को पकड़ना है। दूसरी बात आपको करना है कि जो आपके प्रीवियस में जैसे क्वेश्चन पूछेंगे आपको उनके तर्ज पे करना है। ऐसा नहीं कि पता लगे किसी ने बोल दिया कि 25 क्वेश्चन मैथ, 25 क्वेश्चन साइंस, बस आप भूगोल को बोल जाओ 25-25 का आप तैयार करो, ऐसा नहीं होने वाला है। 10 क्वेश्चन मैथ, तो अगर आप देखोगे तो जो आपका ज्यादा वेटेज है वो ज्यादा वेटेज आपका जीके का ही है। ज्यादा वेटेज आपके स्टैटिक जीके का है, और स्टैटिक जीके की बात किया जाए तो इसमें सारे वो टॉपिक इंक्लूड होते हैं, प्लस आपका जो भूगोल है, भूगोल आपका अलग से इंक्लूड किया गया 10 क्वेश्चन ये भी। तो 50 आपका ये सीधा पूछ लिया, 10 यहां से पूछ लिया, और जो साइंस पार्ट होता है ये भी कहीं ना कहीं जीएस का ही पार्ट होता है। अगर मैं इसके 30 क्वेश्चन को जोड़ लूं तो 50 और 40 90 क्वेश्चन, मतलब 60% तो आपका केवल जीएस है। मैथ्स और रीजनिंग में रीजनिंग का वेटेज ज्यादा है। तो आपको तैयारी कहां पे करनी है, तैयारी करने के लिए आपको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है आपका रीजनिंग। क्यों? क्योंकि रीजनिंग आपको सर्टेन नंबर देता है, एक्यूरेसी आपकी मेंटेन करता है। 50 क्वेश्चन में आपको टारगेट करना है कि 45+ क्वेश्चन तो आपको कर ही लेना है। दूसरी बात, यहां पे जो आपका टारगेट होना चाहिए 45+ का होना चाहिए। दूसरी बात, आपका जो साइंस पार्ट है, क्योंकि यहां पे क्या है 30 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो साइंस में क्योंकि आपको तीनों क्रम को पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों को पढ़ना है, और 9th और 10th की क्लास स्पेशली मैं बोल रहा हूं कि आपको क्या पढ़ना है, 9th और 10th के एक एक चैप्टर को आप पढ़ लोगे, चाहे आप बिहार बोर्ड का पढ़ लो चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ लो, दोनों का लगभग सेम ही है। तो अगर आप 9th और 10th की केवल एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेते हो तो 30 में 25+ आप स्कोर करने में सक्षम रहोगे, क्योंकि पेपर का लेवल कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होने वाला है। उसने 12th लेवल का अगर एलिजिबिलिटी मांगा है तो जाहिर सी बात है 10th लेवल का ही होगा, और बिहार इस चीज को समझते हैं। हाँ, बस आप क्या होता है, आप अपनी पढ़ाई में एकदम भटक जाते हो, कुछ भी पढ़ने लगते हो, जो आपका सिलेबस है, जो आपकी किताबें कह रही हैं उन पे आप फोकस नहीं होते हो। तीसरी बात, आपको क्या करना है, जीके कहां से पढ़ना है। तो जीके के लिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे दे रखा है कि आपको क्या क्या, जैसे पिछली बार जो क्वेश्चन देखे गए थे किन सेगमेंट से थे, तो बुक्स एंड ऑथर्स से थे, कैपिटल करेंसी से थे, जो राजधानी होते हैं उनकी मुद्राएं होती हैं, किसी देश के पार्लियामेंट का नाम, जैसे बोला गया कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है, चीन के पार्लियामेंट को, नेपाल के पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमीशन, जो विभिन्न आयोग हैं कहाँ के, भारत के, उनके आयोगों का गठन किस वर्ष में हुआ था, उससे प्रश्न था। ऑफिशियल लैंग्वेजेस, कहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, श्लोक्स, किसी ऐतिहासिक दृष्टि से या फिर सांस्कृतिक दृष्टि से कोई श्लोक वगैरह है उनसे क्वेश्चन, या फिर ट्राइब्स, कौन सी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, इंपॉर्टेंट डेज यहाँ से प्रश्न था, इंपॉर्टेंट प्लेसेस वो भूगोल की दृष्टि से भी और जीके की दृष्टि से भी, फेमस पर्सन कौन ज़्यादा प्रसिद्ध, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या गांधी जी हो, या फिर बोल सकते हो कि जो भी एक फेमस पर्सन है या उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है, चाहे वो भारत की आज़ादी के लिए या फिर किसी ऐतिहासिक दृष्टि से या किसी साइंटिफिक दृष्टि से, तो वो सारे लोग क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं फेमस पर्सन में। स्पोर्ट्स में हर प्रकार के खेल से, और जब स्पोर्ट्स की बात की जाती है तो स्पोर्ट्स केवल एक देश से संबंधित नहीं होता,
जाएगा। मैं हर बार कहता हूं कि खेल एक ऐसा कार्यक्रम है जो अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य से देखा जाता है। तो जब आप स्पोर्ट्स की बात करते हो तो आप इंटरनेशनल लेवल पर पढ़ते ही हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे हॉकी हो, चाहे जो हो। हेडक्वार्टर्स आपका पूछा, हेडक्वार्टर्स भारत में पूछा है। फेमस इवेंट इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में जो प्रमुख घटनाएं हैं उनके बारे में प्रश्न पूछा है। फेस्टिवल से पूछा है। इंडिया में फर्स्ट लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, इनसे प्रश्न पूछा गया है और आपको जीके में यही अच्छे से तैयार करना है। तो अल्टीमेटली जीएस में भटकाव नहीं लाना है, आपको स्टैटिक ज्यादा पढ़ना है, आपको साइंस में 9th और 10th पढ़ना है, आपको मैथ्स में केवल अंकगणित पढ़ना है और नंबर सिस्टम पढ़ना है। मैथ्स के भी सिलेबस में इन्होंने बहुत छोटा कर रखा है। अगर आप इसको ध्यान से थोड़ा सा देखोगे तो मैथ्स में इन्होंने क्या बात किया है कि संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, उसके बाद पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं। मतलब कि अगर आप यहां से लेके, कहां से, यहां से लेके और यहां तक लिखोगे तो ये पूरा नंबर सिस्टम ही है। अरिथमेटिक में ये केवल परसेंटेज पूछेंगे, अनुपात समानुपात की जिक्र किए हैं, एक छोटा सा चैप्टर औसत है और परसेंटेज पे ब्याज और लाभ और हानि है। ये टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड, डिस्टेंस और पार्टनरशिप, इन सबसे की जिक्र नहीं किए हैं। और ऐसे ये प्रश्न पूछते भी हैं क्योंकि 10 क्वेश्चन में ये कितना ही पूछ लेंगे। अगर 10 क्वेश्चन पूछा गया तो 10 क्वेश्चन में 6-7 क्वेश्चन केवल आपका नंबर सिस्टम रहेगा, बाकी 3-4 क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक के रहेंगे। तो आप अगर सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम हो गया, एससीएफ हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, अगर ये कुल 5 बिंदु आप तैयार कर लेते हो तो 7 नंबर मैथ में अर्जित कर लोगे। ये आपकी रणनीति होनी चाहिए, जैसे प्रीवियस पैटर्न में पूछा था। आसान है, लेकिन अगर रणनीतिक तैयारी करोगे तब। अगर आप रणनीतिक तैयारी नहीं करोगे, आप भटकाव में आओगे, कुछ भी पढ़ने लग जाओगे, तो यकीन मानो ये परीक्षा भी क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। एक अच्छा चांस मिला है ऐसे बच्चों के लिए भी जो जिन्हें टाइपिंग आती है, ऐसे बच्चे जिन्हें टाइपिंग नहीं आती, दोनों को लगभग बराबर चांस मिले हैं। बहुत बेहतरीन पद हैं। मेरा सुझाव है कि आप लोग इसकी तैयारी, जब सारी तैयारी कर ही रहे हो तो लगभग ये भी तैयारी वही है, तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए। 27 तारीख से फॉर्म चालू हो जाएंगे, फॉर्म इसका भर दीजिए। आपकी तैयारी में टीम परीक्षा प्लस जो भी सहयोग कर सकती है वो सारे सहयोग करेगी। इसकी जो क्लासेस है 8 PM पे शाम को, साइंस स्पेशल की जो क्लास है 30 नंबर दिलाने की गारंटी मैं ले रहा हूं, वो मैं आपको 8 बजे शाम को, मंडे से आपको क्लासेस जो चलेंगी उसे आप अटेंड कर सकते हो। इसके अतिरिक्त जो आपकी स्टैटिक जीके की क्लास है वो भी शाम को 6 बजे आपकी चलेगी। तो 6 से 7, उसके बाद 8 से 9, और मैं कोशिश करूंगा कि 7 से 8 भी कुछ ऐसा प्रोग्राम लेके आया जाए कि आपका जो बाकी पार्ट है वो आपका कवर हो जाए। रीजनिंग की तो प्रैक्टिस हम आपको करा ही देंगे, तो आपको कहीं नहीं जाना है। अगर आप परीक्षा प्लस पे हो तो परीक्षा प्लस से अच्छे से तैयारी करो। सारी क्लासेस आपको परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी, और आप परीक्षा प्लस जो ऐप है वो भी डाउनलोड कर सकते हो, ताकि जो नोट्स वगैरह हैं वो आपको कहाँ पे मिल जाए, परीक्षा प्लस के ऐप पे हैं वो एक साथ कोलैबोरेटेड, ऐसा बोल सकते हो कि एक साथ कलेक्टेड जितने भी नोट्स हैं वो आपको एक साथ ही मिल जाए, अलग आपको भटकना ना पड़े। इसका जो भी हो सकता है हम आपको करेंगे। और अगर आप इसका स्पेशली टारगेटेड बैच चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताओ कि हाँ सर एक टारगेटेड बैच लेके आया जाए। अगर मुझ पर विश्वास है, अगर मेरी बातों में दम लग रहा है, लेकिन हाँ सिलेक्शन लेने के लिए मैं हर बैच में ये बोलता हूं कि सिलेक्शन केवल एक दिशा से नहीं हो सकती, सिलेक्शन केवल एक प्रयास से नहीं हो सकती। मैं और आप जब दोनों मिलकर बराबर मेहनत करेंगे तभी जाकर सिलेक्शन होगा। मैं आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हो कि नहीं। तो कमेंट में मुझे ये जरूर बताएं कि हाँ आप मुझसे वादा करते हैं, तैयार है या नहीं है, जिस भी भाषा में आप लिख पाओ, यस नो कर पाओ कि हाँ सर मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपके साथ तैयारी करने के लिए तैयार हूं। और अगर इसका एकदम टारगेटेड बैच चाहते हो, मिनिमम जो न्यूनतम फीस हो सकती है उसमें आपको टीम परीक्षा प्लस उपलब्ध करवाएगी। हालांकि अभी जो क्लासेस हैं वो शाम को 8 बजे एमसीक्यू बेसिस पे, शाम को 6 बजे मंडे से इसकी प्रॉपर क्लास आपको बिहार की, ये जो बीएसएससी के जो इंटर लेवल की वैकेंसी है इसके लिए डेडिकेटेड बैच आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार। अच्छे से पढ़िए, मस्ती से पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। कोई भी अगर आपको अतिरिक्त जानकारी लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, नीचे मेरे नंबर चले इन पर कॉल कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, धन्यवाद सभी का।